हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं, तो बस मैं लंच बनाने जा रही हूँ। तो बस मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं जीरा डालूँगी, जीरा तड़कने दूँगी, तो बस प्याज डाल दूँगी। मिर्ची मैंने एक ही काटी थी क्योंकि बच्चों के लिए है, बच्चे ज़्यादा तीखा खाते नहीं, और मेरी रूही तो बस प्याज और उसको कुछ डालने ही नहीं देती। उसके अलावा उसको बस व्हाइट चावल पसंद है, खाली प्याज डाल दो, थोड़ी सी मिर्ची, बस। टमाटर वमाटर कुछ खाती नहीं है। वैसे मैं मूंगफली के दाने आने डाल के सब कुछ डाल के तलती हूँ, पर उसको पसंद नहीं है। और वही होता है, जैसा बच्चों को पसंद है वैसा ही रखना चाहिए लंच में, तो वो फिनिश भी करके आते हैं। तो बस यहाँ देखिए, मेरी प्याज तल चुकी है। अभी मैं इसमें नमक डाल दूँगी थोड़ा सा, और बस नमक डाल के चावल डाल दूँगी सीधे डायरेक्ट। नमक डाल दिया, अभी मैं इसमें चावल डाल दूँगी, थोड़ी देर फ्राई होने दूँगी बस। उसके बाद मैं लंच में ठंडा होने के बाद पैक कर दूँगी। तो बस यहाँ मैं एक तरफ लंच भी बनाती जा रही हूँ, वहाँ बच्चियों ने नहा लिया है, तो बस उनके पापा थोड़ा उनको ड्रेस व्रेस पहना रहे हैं, वो पहन लेंगी। उसके बाद मैं उनके बाल वाल बनाऊँगी, बस रेडी कर दूँगी उनको। तो बस आज एक्चुअली रूही को बहुत दिन से कहती है, मम्मा मुझे व्हाइट चावल लेके जाना है, व्हाइट चावल लेके जाना है। तो बस आज फाइनली उसके व्हाइट चावल बन ही गए। तो बस ये देखिए, बनने ही वाले हैं। और हाँ, कढ़ाई आपको इतनी काली इसलिए दिख रही होगी क्योंकि कल मैंने शाम को पापड़ तले थे, तो वही तेल बचा हुआ था पापड़ों का, तो बस मैंने ढक कर रख दिया था, तो मैंने उसी में चावल तल दिए हैं। ये देखिए, अभी बस थोड़ा इनको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और एक साइड मैंने दूध भी रख दिया है, अभी गैस ऑन कर दूंगी, चाय बनने के लिए रख दूंगी, साथ में लगे हाथ चाय भी बन जाएगी। तो बस चावल मेरे हो चुके थे, तो मैंने कढ़ाई हटा दी। अब मैंने इस वाले बर्नर पे चाय रख दी है, वो छोटा बर्नर है इसलिए उसको देर पर काम होता है। तो बस मैंने चाय में चाय पत्ती डाल दी, शक्कर डाल दी, और अदरक किशनू से किस दूँगी। और बस ये देखिए मेरी चाय क्या लाजवाब खौल रही है। तो बस इन लोगों का तो हो गया, बाबू के लिए भी कुछ रेडी करना है, तो उसके लिए मैं जल्दी में सुबह सुबह बस केला ही कर देती हूँ रेडी। इसको मैं पॉक वाली चम्मच से मसल दूँगी, अच्छे से मसल के बस इसको हलवा के जैसा बना दूँगी बिल्कुल, तो वो अच्छे से खा लेता है। बस सुबह सुबह मैं इसको नाश्ते में केला ही दे देती हूँ क्योंकि इतनी हड़बड़ रहती है सुबह से, दोनों को बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो और घर के भी काम होते हैं बहुत सारे। तो बस ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मसल दिया है, तो अभी मैं इसको खिला दूँगी, और अच्छे से खा भी लेता है ये वो सुबह सुबह। और केला तो वैसे भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, और इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं इसको खिलाने से। तो बस मैं अभी बाबू को खिलाती हूँ, देखिए बहुत अच्छे से खा लेता है वो, देखिए खा रहा है ना। बस इसी तरीके से मैं उसको खिला दूँगी और वो खा भी लेगा, बस इसको खिलाने को। तो बाबू ने नाश्ता फिनिश कर लिया है, अभी मिलिए बाबू से। क्या हो गया निन्नू? आ रही आरुही, दिखा भैया, आरुही वर्मा तैयार हो गई है। तो बस बच्चे तैयार हो गए थे, तो वो डैडी के साथ स्कूल चले गए हैं। अब मैं और बाबू, तो मैंने बाबू को खिलपला के, बाबू को निन्नी आ रही थी तो मैंने उसको सुलाया। सुलाने के बाद मैंने कहा चलो जल्दी से काम निपटा लूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा लूँगी जल्दी जल्दी से, उसके बाद बस पोछा लगाऊंगी।
गाइस मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, बाबू भी सो गया है, तो मैं जल्दी से अब बर्तन भी धुल लेती हूँ सारे। मैंने चाय आए पी, नाश्ता किया, बस जल्दी से बर्तन वर्तन धुल के बाथरूम वाथरूम साफ करके बस फिर नहाऊँगी। नहाने के बाद पूजा वूजा करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो बस मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, मैंने पूजा वूजा करी। बाबू बाबू निन्नी करके उठ गया अभी, इसीलिए बाबू बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी है, हैप्पी हैप्पी है। बुझो बुझो बात करो, करो बात, बात करो, बात करो। बोलो मम्मा, मम्मा नहीं बोल पाती अभी, ये गुज्जू कुछ भी नहीं बोल पाती है, कुछ भी नहीं बोल पाती है गुज्जू। शर्म आ गई। ये है मम्मा और ये है मम्मा का। तो इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर जरा भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, बाय गाइस, फिर मिलेंगे, बाय बाय, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा।